छिंदवाड़ा विश्व उपभोक्ता दिवस पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुश्री निधि बारंगी, न्यायिक सदस्य जिला उपभोक्ता फोरम छिंदवाड़ा के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की थीम थी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कार्यक्रम में संबंधित अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में जागरूक करने हेतु जानकारी प्रदान की गयी। डिमांड करता है, ये सामान्य सी बात है। हम हमारे विद्यार्थियों को इसके ऊपर खड़े होने के लिए और वो सभी तरीके बताते हैं, तो आपको वहां पर अपने जागरूक उपभोक्ता होने का परिचय देना है और ऐसे सभी चीजों के लिए जो अधिक मूल्य पर हो या उस मात्रा या क्वालिटी में उचित ना हो उसकी शिकायत भी आप ऑनलाइन नंबर अभी मंच से आपको बताया जाएगा या जिला आपूर्ति अधिकारी या अन्य जगह या उपभोक्ता आयोग में ऐसी आप शिकायत आयोजित किया गया है। क्या होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो कि आज मनाया जाता है, क्योंकि हमारा 1986 का जो एक्ट था उसने आज नया रूप लिया हुआ है। 20 अगस्त 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो परिवर्तन होकर एक नया अधिनियम सामने आया है, उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ऑनलाइन जो शॉपिंग हम करते हैं, हम आजकल सभी व्यक्ति जो है ऑनलाइन शॉपिंग पे डिपेंड हो गया। छोटा भी सामान जो है फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारी प्रोसीजर से वो परचेस करता है, जिसके कारण जो भी एक्ट हमें मिला हुआ है इसमें जो कंज्यूमर है उसको एक किंग मान करके इस एक्ट में संशोधन किया है। और इसमें जिला लेवल पे और राज्य लेवल पे और साथ के साथ राष्ट्रीय लेवल पे कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। और सबसे बड़ा इसमें अमेंडमेंट हुआ है कि उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा सुविधा मिली है इस नए अधिनियम से कि वो कहीं पे भी रहकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पुराने अधिनियम में ये नहीं था। सेकेंड थिंग की इसमें 5 लाख तक के जो केसेस हैं उसमें फीस का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल भी, यदि कोई व्यक्ति फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो भी वो अपने 5 लाख तक के जितने दावे होते हैं वो हमारे कंज्यूमर आयोग में आकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और अपने वाद दायर कर सकता है। इसमें यदि वो व्यक्ति सक्षम है तो उसे किसी भी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती अपना केस।